प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर पिता को महिमा मिले आज के दिन के लिए। प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं कि एक बार फिर डेली ब्रेड के माध्यम से प्रभु ने हमें इकट्ठे होने का, उसको महिमा देने का मौका दिया है। प्रभु को धन्यवाद दे रहे हैं, प्रभु हमें संभाल रहा है, प्रतिदिन हमसे बातें कर रहे हैं प्रभु जी, और उसकी सामर्थ हम अपने जीवन में महसूस करते हैं। ये उसकी दया है, उसकी सामर्थ के लिए हम प्रभु को शुक्रिया करते हैं। आइए हम आरंभिक प्रार्थना करेंगे और आज के डेली ब्रेड को प्रभु के हाथों में सौंपेंगे। मैं निवेदन करूंगा सर ग्रेसी से कि प्रार्थना में अगुवाई करें। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज शाम के समय में खुदा कि आपने हमें जिंदों की भूमि में रखा प्रभु, भला चंगा रखा, इसलिए हम तुझे शुक्रिया अदा करते हैं प्रभु। प्रभु ऐसे कितने लोग हैं प्रभु जी इस दुनिया में पाए जाते हैं प्रभु, जिनके घरों में शोक पाया जाता है प्रभु, उनके प्रिय लोग इस दुनिया को छोड़ के चले गए, परंतु तूने अपने अनुग्रह को हमारे ऊपर रखा, इसलिए हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं प्रभु कि प्रभु हम प्रभु आज के दिन में प्रभु जीवितों की भूमि में जीवित रह करके तुझे धन्यवाद चढ़ा सके, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते खुदावर प्रभु। हर एक बातों के लिए हम तेरा शुक्रिया अदा करते खुदा, जब प्रभु हम आराधना स्तुति को कराते खुदावन, तेरे अनुग्रह को प्रभु हम अपने ऊपर मांग लेते हैं प्रभु, तेरे अलौकिक सामर्थ हमारे ऊपर से होकर के प्रभु लोगों के बीच में काम करे खुदावन। हम नहीं परंतु तेरा प्रभु, तेरी अभिषेक, तेरा आग प्रभु हम में से होकर के काम करने बन जाए खुदावन। पिता हम तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, तेरे प्रभु हर एक उपकारों के लिए प्रभु जो आपने हमारे जीवन में किया प्रभु जी। प्रभु जी मीटिंग को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, जबकि प्रभु जी इस समय प्रभु कई सारे लोग प्रभु जी हमारे स्तुति आराधना को कराना प्रभु जी और वचनों को सुनते हैं प्रभु, हम तुझसे यही प्रार्थना करते हैं खुदाबाप कि तेरी सामर्थ प्रभु लोगों से बातचीत करे प्रभु जी, उनके घरों में काम हो प्रभु जी, अद्भुत कामों का प्रगटीकरण करिए प्रभु जी। प्रभु जी हम जानते हैं प्रभु पूरा विश्व प्रभु जी महामारी में है प्रभु जी, परंतु तेरा वचन कहता है कि हम मैं तुझे महामारी से भी बचाऊंगा खुदावन। हम तुझसे यही प्रार्थना करते हैं प्रभु, जितने लोग प्रभु जी वचन को सुन रहे हैं प्रभु जी, भले ही कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो प्रभु जी, परंतु उनके जीवन में अद्भुत कामों का प्रगटीकरण करिए प्रभु खुदा। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपके दास वचन को लेकर के आते हैं प्रभु जी, प्रभु वो आपके दास है खुदावन प्रभु, उनके मुख से होकर के आप लोगों से बातचीत करिए प्रभु जी, लोगों के बंधन टूट जाए प्रभु जी, लोगों की जीवन में प्रभु आजादी आ जाए प्रभु जी, जो प्रभु अगर मृत्यु की संयम में पड़ा हो उनके जीवन में प्रभु जी, उनके प्रभु प्रभु मृत्यु संयम में प्रभु उनको जीवन दे दे प्रभु जी। हम तुझसे ऐसी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उनकी परिस्थितियों को तू बदल दे खुदावन, तेरे अलौकिक सामर्थ को हम मांग लेते हैं प्रभु जी, तेरे बलवंत हाथ को हम देखना चाहते हैं खुदावन। हर एक बातों के लिए हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं प्रभु, आगे की आराधना को तेरे हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना को मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमेन। आमेन। थैंक यू फादर, हालेलुया। आइए मिलके इस गीत को गाएंगे, प्रभु की आराधना करेंगे। देखो क्रूस पर प्रेम की सजा, उन हाथों पर नाम मेरा लिखा, मुझसे प्रेम प्रभु यीशु ने किया है, उसने जान देकर लहू का कतरा कतरा बहाकर उस प्रेम को प्रकट करा है कि वो हमसे कितना प्यार करता है। ना आकाश की ऊंचाई और ना सागर की गहराई से, या ना कोई और पैमाना बना है उसके प्यार को नापने के लिए। आइए उस महान प्रेम को स्मरण करते हुए उसकी महिमा करें। तो मैं चिल्ला के गा
प्रेम ने है पाया। ओह मेरा तीत बीत गया, मुझको अजीज मिल गया, सब कुछ हो गया है नया। तो मैं चिल्ला के गाऊंगा, सबको ये सुनाऊंगा, मुझे प्रेम ने है पाया। हो गया है नया। ताली बजाते हुए रहूंगा, मुझसे प्रेम प्रभु यीशु ने किया है, देकर प्राण प्रभु फिर से जी उठा है, मुझसे प्रेम प्रभु यीशु ने किया है, देकर प्राण प्रभु फिर को ये सुनाऊंगा, मुझे प्रेम ने है पाया। हो मेरा तीत बीत गया, मुझको अजीज मिल गया, सब कुछ यस फादर हो गया है नया। हमारे लिए सब कुछ नया कर दिया प्रभु, कोड़ों की मार सह के, लहू का कतरा कतरा बहा के, हमें धो के पाक साफ कर दिया, तमाम बंधनों से स्वतंत्र कर दिया, तमाम वो जो बोझ हमारे ऊपर थे उन्हें उसने अपने ऊपर ले लिया और हमें नया कर दिया। सब कुछ हो गया है नया, मेरा तीत बीत गया, मुझको अजीज मिल गया, सब कुछ रिहामा शादा राधा मा से खेला हो गया है नया, सब कुछ हो गया है नया। आइए प्रभु के दास के द्वारा उसके जीवित कलाम को सुनेंगे, सामर्थ्य वचन प्रभु ने आज हमारे लिए रखा है, उसे अपने जीवन में अधिकाई से बसने दे, ताकि वो हमारे जीवनों में काम करे और हमारे जीवन प्रभु के अनुसार चलने पाए। आइए प्रभु के दास के द्वारा वचन को सुने। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और माउंट कर्मेल चर्च अजमेर यूट्यूब चैनल से जुड़े
सभी सब्सक्राइबर दर्शकों को जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में आज की शाम फिर एक और बार हमारे डेली ब्रेड कार्यक्रम में आपका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आशा करते हैं आप दिन भर अच्छे रहे होंगे। परमेश्वर ने आपको संभाला है, आपकी मदद की है। प्रभु को धन्यवाद, प्रभु की स्तुति, प्रभु की महिमा हो। मेरे अजीजो, अभी थोड़ी देर पहले हमने बहुत अच्छी आराधना प्रभु को नज़र की है और प्रभु को धन्यवाद। आइए आज शाम परमेश्वर के वचन की ओर चलें, अपने रुख को परमेश्वर के वचन की ओर करें। मत्ती रचित सुसमाचार उसका नवा अध्याय उसके 35 पद से लेकर के 38 पद तक हम पढ़ेंगे और हम यहाँ पर परमेश्वर के वचन में से कुछ बातों को सीखेंगे और समझेंगे। यीशु जब नगरों और गांवों में फिरता रहा, पढ़ दीजिए पहले, चलिए। यीशु जब नगरों और गांवों में फिरता रहा और उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान जिनका कोई रखवाला न हो व्याकुल और भटके हुए से थे। तब उसने अपने चेलों से कहा, पके खेत तो बहुत हैं पर मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। प्रेज द लॉर्ड। यहां पर अपन यीशु मसीह के उस समय को देख रहे हैं जब यीशु मसीह अपने देह के दिनों में गलील की राहों पर, यरूशलेम की सड़कों पर घूमते और फिरते हैं। और यहां लिखा है, और यीशु सब नगरों और गांव में फिरता रहा। हालेलुया। यीशु अपने गांव, अपने नगरों में क्या करता रहा? फिरता रहा। क्यों फिरता रहा? और लिखा है, और उनकी सभाओं में उपदेश करता था। वो लोग यीशु मसीह जब आते थे तो लोग उनके लिए सभाओं का इंतजाम करते थे कि वो आकर उन्हें उपदेश करता, और यीशु मसीह उपदेश देता था, और जब वो उपदेश देता था तो लोग उसकी सुनते थे। और नेक्स्ट बात लिखी है, और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता था। और राज्य का सुसमाचार, कौन सा राज्य, कौन से राज्य का सुसमाचार? परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार। और सुसमाचार क्या है? भूखे को रोटी, बिना वस्त्र वाले को वस्त्र, प्यासे को पानी, जिसके पास घर नहीं है उसको घर, अगर जिसकी जो कमी है उस कमी को अगर कोई चीज दूर करती है तो वो संदेश उसके लिए सुसमाचार होता है। यही है सुसमाचार, कि जब वो संदेश आपके पास आता है, वो खुशखबरी लेकर आता है कि डरने की जरूरत नहीं है, बीमार के लिए एक अच्छा वैद्य का आ जाना उसकी लाइफ में, वो उसके लिए शुभ संदेश है। तो वो राज्य का सुसमाचार का प्रचार करता था और हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। हर प्रकार की बीमारी, उस पर यीशु मसीह को अधिकार है, और हर प्रकार की दुर्बलता, कमजोरी, हमारे शरीर में कई ऐसी दुर्बलताएं होती हैं जिसे इस दुनिया में कोई दूर नहीं कर सकता। जिसे कोई दूर नहीं कर सकता उसे परमेश्वर कर सकता है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। आप जिस चीज को असंभव समझते हैं वो परमेश्वर के लिए संभव है। एंड नथिंग इज इम्पॉसिबल बिफोर गॉड। परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। सो हम देखते हैं कि यीशु मसीह 35वीं आयत में सुसमाचार का प्रचार करता रहा, राज्य के सुसमाचार को, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए काम करता रहा, दिन और रात मेहनत करता था। और उसके बाद 36 पद में क्या लिखा है देखेंगे हम। जब उसने भीड़ को देखा, और वहां पर यीशु मसीह ने जो मीटिंगें होती थी, सभाएं होती थी, उनमें बड़ी भीड़ यीशु मसीह के पास यीशु को सुनने के लिए आती थी। और जब उसने उस भीड़ को देखा तो उन लोगों पर तरस आया। क्या खाया? तरस, तरस, कंपैशन,
यीशु मसीह एक ऐसा परमेश्वर है जो आप पर तरस खाने के लिए तैयार है. He is ready for compassion. वो परमेश्वर तरस आता है या खाता है या वो नहीं, वो तो परमेश्वर है और परमेश्वर तरस से भरा हुआ है. वो उसके स्वभाव में है तरस खाना. और किन पर तरस खाया यीशु मसीह ने? क्योंकि वे उन भेड़ों की नाई थे जिनका कोई रखवाला ना हो. विदाउट पास्टर, विदाउट चरवाहे, बिना चरवाहे की बहुत सारी भेड़ें आज भी जिनका कोई चरवाहा नहीं, जिनको कोई बताने वाला नहीं, जिनको कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं. मेरे अजीजों, आज भी बहुत सारे लोग हैं जिनको रास्ते की जरूरत है. इसीलिए तो यीशु मसीह ने कहा, रास्ता मैं हूं, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं, और जो कोई मेरे पास आता है वो पिता से मुलाकात करता है. मेरे अजीजों, यहां प्रभु यीशु मसीह उस भीड़ पर तरस खा रहा है जिनका कोई चरवाह नहीं. उनको वो भेड़ों को, लोगों को वो भेड़ कह के संबोधित कर रहा है. भेड़ का प्रॉब्लम है, भेड़ खो जाती है, भेड़ खो जाती है. और कोई भी भेड़ों को ढूंढने यीशु मसीह दुनिया में आया. हालेलुया. और हम देखते हैं कि अगली लाइन में लिखा है, वो व्याकुल और भटके हुए से थे. क्यों यीशु मसीह ने उस भीड़ पे तरस खाया? क्योंकि उनमें से बहुत सारे लोग व्याकुल थे. व्याकुल का मतलब समझते हैं आप? किसी बात को लेकर टेंशन में होना, किसी बात को लेकर परेशान होना, किसी बात को लेकर के दुखी होना, व्याकुलता. जिंदगी में एक बात ध्यान रखना, आपकी व्याकुलता, आपकी परेशानी, अंदर से अगर आप परेशान हैं तो वो आपके चेहरे पे दिखाई देती है. आप उसे कितनी भी लिपस्टिक लगाएं, चिपस्टिक लगाएं, कितना भी फेयर एंड लवली लगाएं, ग्लो लगाएं, कुछ भी लगाएं, वो व्याकुलता किसी से दबती नहीं है. वो चीजें आपके चेहरे से प्रकट होती हैं. और मैं आपको बताना चाहता हूं, आप में से बहुत सारे लोगों के बहुत सारे परम मित्र होते हैं जो आपके साथ प्रतिदिन रहते हैं, और एक दिन अचानक आपके जीवन में कभी वो आपके चेहरे को बदला हुआ देखते हैं तो वो अक्सर आपसे पूछ लेते हैं, भाई क्या बात है, आज तेरे चेहरे पर उदासी दिखाई दे रही है, आज तेरा चेहरा, जबकि वो नहा धोकर के तेल लगा के गया हुआ है. लेकिन वो व्याकुलता जो है वो प्रकट होती है. अच्छा, ये जब हम मनुष्य होकर के अपने दोस्त की व्याकुलता को समझ लेते हैं तो यहां जो है वो तो परमेश्वर है. वो क्यों नहीं जानेगा? वो आप अपने चेहरे से कितना भी छुपाने की कोशिश करें, आपका चेहरा आपकी व्याकुलता को प्रकट कर देता है. प्रेज़ द लॉर्ड. और दूसरा लिखा है, वो भटके हुए से थे. भटके हुए का मतलब है खोए हुए. आज मनुष्य खोया हुआ है, काई में खो गया है मनुष्य, आज सृष्टि में खो गया है, अपने सृष्टिकर्ता को भूल गया है और सृष्टि में उलझ गया है, सृष्टि के अंदर खो गया है. आज मैं शाम आपको बताना चाहता हूं कि आप एक ऐसे रखवाले के पास, एक ऐसे परमेश्वर के पास आ गए हैं. हालेलुया. परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं कि अब जो है हम अपने प्राणों के रखवाले के पास आ गए हैं. कहां पर आ गए हैं हम? अपने प्राणों के रखवाले के पास, प्रभु के पास आ गए हैं, जो हमारी सब बात में हमारी मदद करता है. हालेलुया. सो हम देखते हैं कि अगर हम इस बात को समझेंगे कि वो प्राणों का रखवाला कौन है, वो प्राणों का रखवाला हमारा प्रभु यीशु मसीह है. हालेलुया. वो प्राणों का रखवाला, हमें बचाने वाला और कोई नहीं है, हमारा प्रभु यीशु मसीह है. प्रेज़ द लॉर्ड. तो यहाँ पर 36 पद में जब हम आते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो लोगों की सिचुएशंस को भांपता है. मैं आज शाम आपको भी बताना चाहता हूँ, आप भी यदि व्याकुल हैं,
बिना चरवाहे के हैं, कोई आपका चरवाहा नहीं है, तो आप जिस भी शहर में हैं, अपने शहर में बहुत सारे चरवाहे हैं आपके, आप उन चरवाहों में से एक चरवाहे के पास जाएं, जो आपकी रखवाली करे, जो आपकी देखभाल करे। मेरे अजीजों, उसके आगे 37 पद में क्या लिखा है पढ़ेंगे हम। तब उसने अपने चेलों से कहा पके खेत बहुत हैं। यानी हार्वेस्ट इज रेडी। इंग्लिश में इस प्रकार से हम समझ पाएंगे, खेत पक कर तैयार हो चुके हैं। खेत किसको बता रहा है प्रभु यीशु मसीह? लोगों को। लोग तैयार हैं, लोग इस बात के लिए तैयार हैं कि कोई आकर हमें रास्ता बताए, कोई आकर हमें परमेश्वर के बारे में बताए, कोई आकर हमारी समस्याओं का समाधान बताए, कोई हमारी व्याकुलता का हमको निदान दे। खेत पके हुए हैं, हार्वेस्ट इज रेडी। क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं? यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, खेत पके हुए हैं पर मजदूर थोड़े हैं। मजदूरों की जरूरत है। मेरे अजीजों, अगर हम परमेश्वर के वचन को सुने समझें, तो ये मजदूर कौन है? मजदूर किसके लिए कहा गया है? परमेश्वर की सेवा करने वालों को मजदूर कहा गया है। देखो, प्रभु का वचन कहता है मजदूर को उसकी मजदूरी मिलनी चाहिए। अगर आप उत्पत्ति का 2 अध्याय और उसके 15 पद को पढ़ें, जो पहला आदम परमेश्वर ने बनाया, तब परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया। किसको? पहला आदम जो परमेश्वर ने बनाया और उसे अदन की वाटिका में रख दिया, और कि वह उसमें काम करे। क्या करे? कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। नहीं नहीं, क्या करे? काम करे। काहे के लिए रखा? काम करने के लिए रखा। नए नियम में प्रभु के वचन में पौलुस कहता है, जो काम ना करे उसे रोटी भी मत दो, उसको खाने का अधिकार नहीं। बहुत सारे लोग हैं जो उनके पास कोई काम नहीं है, बस खाते हैं पीते हैं सो जाते हैं, खाते हैं पीते हैं सो जाते हैं। पत्नी कमा के ला रही है, खुद घर में बैठे हुए आराम से सो रहे हैं। खैर, मुझे उनसे क्या शिकायत है? मुझे कोई शिकायत नहीं है। पत्नी प्यार से खिला रही तो खाते रहो। पत्नी प्यार से खिला रही तो खाते रहो, मुझे क्या? पर मेरी सलाह है, आप भी कुछ करो, आपका मन अच्छा लगेगा आपको। काम करने से कभी कोई घिसता नहीं है। आप देखो कभी अपने हाथ पैरों को, अपने हाथ से हम जब काम करते हैं तो क्या हमारे हाथ घिस जाते हैं काम करने से? काम करने से कभी भी आदमी घिसता नहीं है। और बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने अदन की वाटिका में पहले आदम को रखा तो क्या बोला? इसमें क्या कर? काम करे। इसमें क्या कर? काम करे। क्या कर? काम कर। और काम के अंदर क्या कर? उसकी रक्षा करे। रक्षा भी कर, यानी इस वाटिका को तेरी मेहनत की जरूरत है। मेरे अजीजो, परमेश्वर एक बड़ी भीड़ को, एक बड़ी हार्वेस्ट को देख रहा है प्रभु यीशु मसीह, और वो कह रहा है कि पिता से विनती करो कि वो मजदूरों को भेज दे, क्योंकि पके हुए खेत क्या हैं? तैयार खड़े हुए हैं काटने वाले। अगर आप, एक बात बता दूं मैं आपको, अगर किसान की बीज बोया, किसान ने पानी दिया, तैयार हो गई फसल, अगर फसल को समय पर नहीं काटा गया तो फसल नष्ट हो जाती है। कुछ लोग फसल नष्ट होने के बाद बोलते हैं, अच्छा मैं जा रहा हूं, अब तो फसल तो नष्ट हो गई, अब जाने से क्या होगा? तो जब प्रभु बोलता है कि अभी जाने की जरूरत है तो जाना चाहिए। तो वचन कहता है कि मजदूर थोड़े हैं। अब अगर मैं आपको एक बात बोलूं, परमेश्वर ने मनुष्य को आजाद मर्जी बनाया, वो चाहता तो आपके साथ जबरदस्ती भी कर सकता है,
क्योंकि हम उसकी बनाई हुई सृष्टि हैं, लेकिन मनुष्य को बनाकर परमेश्वर ने उसको आजाद मर्जी छोड़ दिया है। सेवा करे तेरी इच्छा, ना करे तेरी इच्छा। और एक और बात बता दूं आपको मैं, ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि परमेश्वर ने आपको अपनी सेवा के लिए चुना और अलग किया है। ये आपका सौभाग्य है। बहुत सारे लोग हैं जो सेवा करना चाहते हैं, आना चाहते हैं, परंतु उनको वो नहीं आ पाए और उनकी मजबूरियां ने उनको आने नहीं दिया। बट इफ यू आर इन द मिनिस्ट्री, आप एक सुअवसर प्राप्त किए हुए एक व्यक्ति है, आपको सुनहरा अवसर मिला है, आप उसे छोड़े नहीं। परमेश्वर जो इस सारे ब्रह्मांड और मनुष्य को रचने वाला है, एक जगह मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो कितनी विडंबना को प्रस्तुत कर रहा है। चलिए निकालिए यशया नबी की किताब, उसका 6 अध्याय है, उसके 5 से पढ़ दें। तब मैंने कहा हाय हाय, हाँ मैं नष्ट हुआ। चलिए आगे बढ़िए। क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ। ये यशया की हालात हैं। आगे, और अशुद्ध होठ वाले मनुष्य के बीच में रहता हूँ। आगे, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजाधिराज को अपनी आंखों से देखा है। आगे, तब एक सराप हाथ में अंगारा लिए हुए, जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था, हाँ, मेरे पास उड़कर आया। आगे, उसने उससे मेरे मुंह को छूकर कहा, हाँ, देख इसने तेरे होठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया, हाँ, और तेरे पाप समा हो गए। तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, मैं किसको भेजूं। अब यहां 8वें पद में, 8 पद से पहले यशया नबी से परमेश्वर बात कर रहा है। यशया का प्रॉब्लम है, यशया के 6 अध्याय 1 पद में लिखा है, जिस वर्ष उज्जिया राजा मर गया, उस वर्ष परमेश्वर को उसने ऊंचे पर देखा। किस वर्ष? जिस समय उज्जिया राजा मर गया, उससे पहले यशया ने कभी परमेश्वर को नहीं देखा। उससे पहले उसे था तो वो मिनिस्ट्री में, लेकिन उसको परमेश्वर की जरूरत नहीं थी। उसकी सारी सप्लाई उज्जिया राजा कर रहा था, लेकिन अब उज्जिया मर गया और उसका बेटा आकर के बैठ गया और उसने कहा, भैया यशया जी अब यहां से महल से निकलो, मुझे तो तुम्हारी जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे बाप को जरूरत थी, मेरे को तुम्हारी जरूरत नहीं है। अब यशया सकते में आ गया, और जब मनुष्य सकते में आता है तो उसकी निगाहें हमेशा खुदा की ओर जाती है, और ऐसा ही यशया नबी के साथ हुआ कि उसने अपनी निगाह को खुदा की ओर किया और खुदा से कहने लगा कि, और जब उसने खुदा को देखा तो खुदा की पवित्रता को देख करके पागल हो गया और बोलने लगा, इतना पवित्र परमेश्वर। और जब उसने अपने आप को देखा तब उसे पता चला, मैं तो अशुद्ध होठ वाला व्यक्ति हूं, मैं तो झूठ बोलता हूं हमेशा, परमेश्वर तो इतना पवित्र है। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि उसने कहा, हाय मुझ पर। पहली बार यशया ने अपने विषय में बोला, हाय हाय मैं नाश हुआ, हाय मैं नाश हुआ। नहीं तो इससे पहले 5वें अध्याय तक वो दूसरों को ही नाश करने में लगा हुआ था, दूसरों को बोलता था, हाय तुम पर, 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 हाय तुम पर। आज बहुत सारे पादरी प्रचारक ऐसे ही हैं, हाय तुम पर, हाय तुम पर, हाय तुम पर, हाय तुम पर, कभी नहीं बोलते हम पर आए। और इसलिए नहीं बोलते क्योंकि उनको इस बात का आभास नहीं कि हम नाश करने के लिए नहीं परंतु जीवन देने के लिए बुलाए गए। लेकिन जब इसने परमेश्वर को देखा, पवित्रता को समझा, परमेश्वर की पवित्रता को समझा, और इसने खुदा से दुआ की होगी, खुदा मैं अशुद्ध होठ वाला व्यक्ति हूं और अशुद्ध व्यक्तियों के बीच में रहता हूं, मेरा रहना ठीक नहीं है, मेरा सहना ठीक नहीं है, तू मुझ पर दया कर। परमेश्वर ने उठाकर उस पर दया की और एक अंगारा उठाकर उसके होठ के ऊपर रख दिया और उसको छुआ और उससे कहा, तेरा अधर्म दूर हुआ और तेरे पाप भी क्या हो गए। इसका मतलब क्या है? यशया अभी तक काई में चल रहा है, अधर्म और पाप में जीवन चल रहा है। कौन? भविष्यद्वक्ता। इसलिए मैं आपसे बोलता हूं, ये भविष्यद्वक्ताओं को जरा परख करके इस्तेमाल किया करो, इनका इसी हाल रहता है। हैं कौन? प्रॉफिट्स। आजकल प्रॉफिट्स की मिनिस्ट्री बहुत जोरों पर है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सच्चे प्रॉफिट और छूटे प्रॉफिट्स में आपको अंतर करना होगा।
और वो अंतर केवल आप बाइबल पढ़ के ही समझ पाएंगे। झूठे और सच्चे भविष्यद्वक्ताओं के विषय में अंतर करना सीखें। तो वचन कहता है कि उसके अधर्म को दूर किया और उसके पापों को क्षमा कर दिया। आगे तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, तब खुदा का एक वचन उसके पास आया और परमेश्वर क्या बोल रहा है, मैं किसको भेजूं। यहां पर 36-37 पद में अपन क्या पढ़ रहे हैं, 37 पद में हम क्या पढ़ रहे हैं, उसने चेलों से कहा पक्के खेत तो बहुत हैं, पिता से ये विनती करो कि मजदूर थोड़े हैं, और 38 पद में बोलता है इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह खेत काटने के लिए मजदूरों को भेज दे। और यहां परमेश्वर यशया 6:8 पद में अपनी विडंबना, अपनी समस्या बोल रहा है, मैं किसको भेजूं और मेरी ओर से कौन जाएगा। हु इज रेडी फॉर माई सर्विस, मेरे राज्य के सुसमाचार के लिए कौन जाएगा, मेरी वो खेती को काटने के लिए कौन जाएगा जो तैयार खड़ी है। परमेश्वर का वचन रोमियो की पत्री में बोलता है कि ये सृष्टि आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों की बाट जो रही है। सृष्टि खड़ी है तैयार, किसकी राह देख रही है, कोई उनको सच्चे परमेश्वर के बारे में बताए, कोई उनको मन की शांति कैसे मिलती है उसके बारे में बताए, कोई उनको बताए कि उनकी समस्याओं का समाधान कैसे मिलेगा, कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, कौन बताएगा उनको। जब तक कोई बताए नहीं, जब तक कोई चरवाहा ना हो, मेरे अजीजों फसल नष्ट हो जाती है, लोग बर्बाद हो रहे हैं और हम अपने घरों में बैठे हुए हैं, पास्टर प्रचारक अपने घरों में हैं, सबके पास अपनी समस्या है, किसी को अपनी पत्नी की परेशानी है, किसी को घर की परेशानी है, किसी को बीवी बच्चों की परेशानी है, किसी को पढ़ाई की परेशानी है, किसी को अपना घर ना होने की परेशानी है, कई परेशानियों के कारण हार्वेस्ट नष्ट हो रही है, जो तैयार है वो नष्ट हो रहा है। परमेश्वर विडंबना में है। मैं जब इस आयत को पढ़ता हूं ना, मुझे लगता है खुदा तू जगत का बनाने वाला है और तेरे सामने ये समस्या है। मैं जब मिनिस्ट्री में आया था तो मैं ये सोचा बस अब मैं मिनिस्ट्री में आ गया हूं, राजस्थान के पूरे के 36 जिलों के अंदर तहलका मचा दूंगा, क्यों, लोगों को तैयार करूंगा, बाइबल स्कूल चलाऊंगा, ये करूंगा और तैयार करके भेज दूंगा। जिनको तैयार किया वो आज तक नहीं जा रहे, क्यों, किसी का कुछ प्रॉब्लम है। कल मैं अपने साथियों से बात कर रहा था कि हम निमरोध की गुम्मत ना बनाएं, फैलना जरूरी है, जाना जरूरी है। प्रभु कह रहा है मैं किसको भेजूं, मेरी ओर से कौन जाएगा, उस शहर में कौन जाएगा, मैं किसको भेजूं। आज शाम यशया ने एक बहुत बेहतरीन उत्तर दिया, क्या उत्तर दिया, आगे बढ़िया, तब मैंने प्रभु का वचन सुना, तब मैंने कहा हाँ मैं यहां हूं, तब मैंने कहा मैं यहां हूं, मुझे भेज, आई एम रेडी टू गो। उसने कहा हाँ जा, क्या बोला उसने, परमेश्वर कभी नहीं बोलेगा मत जा, क्योंकि परमेश्वर ऐसे लोगों को क्या कर रहा है, ढूंढ रहा है, जो जाएं, जो सुसमाचार सुनाएं। यीशु मसीह अपनी देह के दिनों में, अपनी सेवा में चरम सीमा पे है, और उस चरम सीमा पर जब वो है तो लोगों पर तरस खा रहा है। एक जगह नहीं, यीशु मसीह ने मत्ती का 14 अध्याय उसका 14 पद, उसने निकलकर एक बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया। अब देखिए, जब भी यीशु मसीह भीड़ देखता था तो तरस खाता था। प्रेज द लॉर्ड। 5 रोटी और 2 मछली से यहां पर उन हजारों को खाना खिलाया, उनकी फिजिकल नीड्स को भी पूरा किया, उनके बीमारों को चंगा किया। और जब सांझ हुई हाँ? तो उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा हाँ? ये सुनसान जगह है हाँ?
और देर हो रही है, लोगों को विदा किया जाए, लोगों को भेज दे घर, नहीं तो ये गले पड़ जाएंगे हमारे, खाना खिलाना पड़ेगा इनको। तब यीशु ने क्या कहा कि वे बस्तियों में जाकर अपने लिए भोजन मोल लें। आगे पर यीशु ने उनसे कहा, पर यीशु ने उनसे कहा, उनका जाना आवश्यक नहीं, उनका जाना जरूरी नहीं है, तुम ही इन्हें खाने को दो, तुम कोई इंतजाम करो। हालेलुया। चेले फंस गए, चेले एक दूसरे का मुंह देखने लगे, क्यों? इतनी बड़ी भीड़ को खाना खिलाना चेलों के बस की बात नहीं थी, इतनी बड़ी भीड़ को कंट्रोल करना हमारे बस की बात नहीं है, ये तो प्रभु है जिसने 5 रोटी और 2 मछली से 5,000 पुरुष, उनकी पत्नी और उनके बच्चों को खाना खिलाया और 12 टोकरे बच गए। मेरे अजीजों, आज शाम के समय में मैं आपसे कहना चाहता हूं, यीशु भीड़ पर तरस खाता है। 15:32 भी पढ़ो, 15:32। यीशु ने अपने चेलों को बुलाया और कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है। क्या? जब जब यीशु मसीह भीड़ को देखता है क्या खाता है? तरस। क्या खाता है? तरस। अरे प्रभु, आप तो हमेशा ही तरस खाते रहते हो। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं जिस शहर से गुजरता हूं वहां के लोगों को जब देखता हूं, मेरा हृदय तरस से भर जाता है, मेरा हृदय उमड़ने लगता है कि मैं इस शहर के लिए कुछ करूं, इस शहर को यीशु दे दूं, इस शहर को एक अच्छा प्रचारक, एक अच्छा पास्टर दे दूं, इस शहर को एक ऐसा व्यक्ति दे दूं जो फ्री में दुष्टात्माएं निकाल दे लोगों की, इस शहर के अंदर लोगों को ऐसा एक पासवान दे दूं जो लोगों की समस्याओं का समाधान बताए। आई हैव कंपैशन। लेकिन मेरे अकेले के कंपैशन से कुछ नहीं हो रहा, मेरे साथी भी कंपैशन से आए भरे ना, तब मामला बनेगा आगे। सबके पास अपनी समस्या है, इसलिए यीशु मसीह ने कहा अपने चेलों से, पिता से विनती करो कि वो मजदूरों को भेज दे ताकि खेत काटे जाएं, फसल जो तैयार है वो नष्ट ना हो जाए। हर शहर, हर गांव, हर ढाणी, हर मोहल्ला प्रभु को जाने, कलीसिया स्थापित हो, चर्च प्लांटिंग हो, परमेश्वर का काम बढ़ने लगे। मेरे अजीजों, आज शाम आप इस बात को समझ लें, हार्वेस्ट इज रेडी और यीशु तरस से भरा हुआ है और यीशु को आपकी जरूरत है। आप में से बहुत सारे सेवकों को तैयार करें और उन्हें भेजें, परमेश्वर आपको ऐसा करने की सामर्थ्य दे। आइए अपने सरों को झुकाएं, हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमें ऐसा बल, शक्ति और सामर्थ्य दे, बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण करें कि हम उसकी सेवा के लिए अपने आप को समर्पित करें। जीवित और महान परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति, तारीफ, महिमा, प्रशंसा करते हैं सुंदर समय के लिए। प्यारे खुदावन परमेश्वर, पूरा विश्व महामारी से, COVID-19 कोरोना वायरस के प्रभाव से ग्रसित है। यीशु के नाम में लोगों को छुटकारा मिले, चंगाई मिले, सामर्थ्य के काम प्रकट हों, प्रकट करके तू हमारा परमेश्वर है और हम तेरे बच्चे हैं। धन्यवाद करते तूने हमारी प्रार्थना को सुना है। आज का वचन जो हमने सुना प्रभु, कि यीशु भीड़ पर तरस खाता था, हमें भी तरस आए, हम भी एक शहर चुने, एक शहर का बोझ उठाएं, एक गांव का बोझ उठाएं, एक गांव में एक सेवक को भेजें, एक गांव, एक शहर के अंदर एक सेवक को भेजें, हमारा परिवार, हमारा बिजनेस, उनका खर्चा उठाए, एक ऐसी आत्मा तो हमारे अंदर दे ताकि वो दर्शन जो तेरे राज्य का है, जो तू चाहता है वो पूरा हो, कि वो खेती जो तैयार है, वो फसल जो तैयार है, उसे काट कर खत्तों में रखा जाए। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जिनके आज जन्मदिन है और जिनके आज मैरिज एनिवर्सरी है, यीशु मसीह के नाम से उन्हें ब्लेस करते हैं।
आशीष दे, लहू में ढांप के रख। प्यारे परमेश्वर, जो बीमार है उन्हें छू के चंगाई दे, और सब महिमा तुझे देते हुए प्रार्थना को आपके पुत्र यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ हमेशा तक होती रहे, और हम सब बोलें आमीन। मे गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आपको आशीष दे। मेरे अजीजों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, शेयर करें, लाइक करें। और यदि आप अपने प्रार्थना निवेदन हमारे को देना चाहते हैं, हमारे प्रार्थना टावर के नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई देते हैं, आप उनका इस्तेमाल करें। साथ में यदि आप इस सेवा से आशीषित हैं तो अपनी प्रार्थनाओं में इसको याद रखें, और आर्थिक धंधे करके भी आप इसके अंदर पार्टनरशिप कर सकते हैं। उसके लिए बैंक अकाउंट की डिटेल आपके स्क्रीन पर है। थैंक यू वेरी मच। कल शाम को 6 बजे फिर आपके साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें।